हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं इस वीडियो में डेली रूटीन अपना शेयर करूंगी। ये मैंने सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ थायराइड की टेबलेट खाती हूँ, क्योंकि मेरा थायराइड इंक्रीज़ हुआ हुआ है। और उसके बाद में मैं अपनी टेरेस पर जाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, एकदम क्लीन फ्रेश एयर होती है। और यहाँ पर आना और थोड़ी देर इस छत पर आकर मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। और ये सामने वाली छत है, इस पर मैं बाजरा डाल देती हूँ पिजन्स को। अभी बहुत सारे पिजन्स थे इस छत पर, सारे मुझे देखकर उड़ गए हैं। अभी मैंने बाजरा डाल दिया है, अब जैसे ही मैं साइड में जाऊँगी पिजन्स सारे आ जाएंगे। और ये देखिए एकदम फ्रेश हवा है, तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है। ये धूप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होती है। उसके बाद में मैं अपने ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि थायराइड की टेबलेट खाए हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसलिए बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। अब ये एग में मैंने चॉप की हुई अनियन डाल दी है और ये थोड़ा सा नमक डाला है उसके बाद में मैं ये एक ग्रीन चिल्ली को बारीक बारीक काट लिया है मैंने, और ये थोड़ा हरा धनिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ठीक है गाइस, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी और उसके बाद में मैं ब्रेड सेक कर बना लूँगी ब्रेड आमलेट। अब देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं पैरों को सिकाई करती हूँ। इसके लिए मैं गर्म पानी करके उसमें थोड़ा नमक डालकर और उसमें मैं पैर अपने डुबोकर 10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, ये देखिए। और इससे मेरे पैरों को मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि मेरे जब मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी पेन होता है। तो वही डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सजेस्ट किया था कि स्वेलिंग कम करने के लिए थोड़ी देर गर्म पानी में पैर करके बैठ जाया करो। अब मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े प्याज लिए हैं और 4 अनियन ग्रीन चिल्ली ली है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया है, गरम मसाला है और थोड़ी हल्दी है। ये मैंने टमाटो प्यूरी बना ली है, ये मैंने कद्दूकस में करके बनाई है। और ये एक छोटी प्याज ली है, यह हरा धनिया लिया है। और अब मैं पहले प्याज को और हरी मिर्च को पीस लूँगी मिक्सर में। ये मिक्सर बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत फाइन पेस्ट बनता है और जैसा मुझे कंडीशन चाहिए होती, जैसी मुझे पेस्ट चाहिए होता वैसे ही बनता है। एकदम फाइन भी नहीं होता है और थोड़ा सा मोटा मोटा भी होता है। ये ऑयल लिया है और ये मैंने रात में यानी कि पकाने से 12 घंटे पहले मैरिनेट कर लिया था चिकन को। अब मैंने ये पैन लिया है और इसमें मैं सबसे पहले ऑयल डालूँगी। देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इस ऑयल में मैं थोड़ा खड़ा गरम मसाला डालूँगी, मतलब साबुत गरम मसाला डालूँगी, जैसे कि थोड़ा ज़ीरा है, ये काली मिर्च है और 1-2 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची है और थोड़ा 2-3 पत्ते तेज पत्ता है, ये इसमें डालूँगी और थोड़ा सा चलाऊँगी ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा जब ये कड़कने लगेगा आवाज़ सी आने लगेगी, उसके बाद में मैं अपने सारे मसाले डालूँगी। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें और अच्छी तरह चला रही हूँ। उसके बाद में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे और ये बहुत अच्छा भी बनने वाला है। ये देखिए ये मेरा बेटा साथ में बोल रहा है और इसे इसी तरह धीरे धीरे चलाकर हम इसे भूनेंगे जब तक इसका ये सारा पानी सूख जाए, जब तक इसे हम भूनते रहेंगे। देखिए पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब इसमें हम जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल देंगे
और इसे फिर धीरे धीरे कुछ देर चलाएंगे। गाइस ये मैंने 12 घंटे पहले चिकन को मैरिनेट किया था। इसको मैरिनेट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने दही के अंदर मैंने काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ डाला था और नमक डाला था और चिकन मसाला डाल के मैंने मैरिनेट कर लिया था 12 घंटे के लिए। अगर हम मैरिनेट कर लेते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनता है। ये देखिए अब ये भुन चुका है और आधे से ज़्यादा गल चुका है चिकन हमारा। और तब मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दी है, प्लस ये हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसे डालकर कुछ देर हम पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं। ये देखिए अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं अगर तो काफ़ी टेस्टी बनता है, अगर कुकर में बनाते हैं तो इतना टेस्टी ये बिल्कुल भी नहीं बनता। ये देखिए हमारी डिश चिकन करी रेडी हो गई है और काफ़ी देखने से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। ये देखिए गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज़ ये जो आप साड़ी देख रहे हैं पिंक कलर की है और ये मैंने मीशो से मंगाई है और इसमें जरी वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बीच बीच में इसमें जरी से ही गोल्डन कलर के बूटे बने हुए हैं और दोनों तरफ इसमें 4 इंच वाला बॉर्डर है और ये बहुत ही सोबर सिंपल है। इस साड़ी को आप पार्टी फंक्शन में भी पहन सकती हैं और अगर आप वर्किंग हैं तो आप ऑफिस भी पहन कर जा सकते हैं या कहीं पिकनिक स्पॉट्स पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पहन के जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गाइस ये साड़ी मुझे तो हर तरीके से पहन के जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गाइस ये साड़ी मुझे हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मुझे इसमें 40% का डिस्काउंट मिला है। अगर आपको भी ये साड़ी पसंद आ रही है तो आप इसे मीशो से मंगवा सकते हैं। इस साड़ी का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और मुझे ये भी बताइए कि आने वाले व्लॉग्स में किस टॉपिक पर बनाऊं और कौन कौन सी वीडियो में बनाऊं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय टेक केयर।